अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके वीडियो जो है यूट्यूब कितने लोगों के पास सेंड करता है, उसमें से कितना लोग आपके वीडियो को व्यूज़ करते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना कोई स्किप के। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे youtube.com, या तो फिर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो होम पेज पर आपको मिलेगा यूट्यूब। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने youtube.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। राइट साइड में आपका खुद का लोगो रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरह के सेटिंग देखने को मिलेगा, लेकिन आप योर चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है चैनल आ जाएगा और आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, फर्स्ट है कस्टमाइज चैनल और सेकंड है मैनेज वीडियो। तो आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे, पेज जो है रिफ्रेश देगा और studio.youtube.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चैनल का डैशबोर्ड है आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा लास्ट वीडियो परफॉर्मेंस, यानी कि जो लास्ट में आप वीडियो को अपलोड करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो इस वीडियो में कितना व्यूज आया है, इंप्रेशन क्लिक कितना आया है, साथ ही यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा एवरेज व्यू डायरेक्शन, यानी कि ये वीडियो जो है कितना एवरेज के हिसाब से रैंक कर रहा है। यहाँ पे गो टू वीडियो एनालिस्ट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो एनालिस्ट आ जाएगा और इस वीडियो का एनालिस्ट शो होना शुरू हो जाएगा। नीचे की तरफ आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे इसके टोटल व्यूज और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा वॉच टाइम हावर, यानी कि इस वीडियो से आपका वॉच टाइम में कितना घंटा ऐड हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कितना लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को एक बंदा सब्सक्राइब किया है। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाया जाएगा इसका एनालिस्ट। अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब इस वीडियो को कितना लोगों के पास सेंड कर रहा है तो रीच का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश लेगा और आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे इंप्रेशन का ऑप्शन आएगा 217, यानी कि यूट्यूब जो है इस वीडियो को 217 लोगों के पास सेंड किया है जिसमें से लोग जो है 2.3% क्लिक किए हैं। टोटल व्यूज 7 आए हैं और यहाँ पे यूनिक व्यूवर्स का भी ऑप्शन है, यानी कि आपके वीडियो को पूरा देखने वाला 5 बंदा है और बाकी के जो 2 बंदा है वो आपके वीडियो को स्किप करके देखा है। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई और वीडियो का रीच देखना चाहते हैं कि यूट्यूब उस वीडियो को कितना लोगों के पास सेंड कर रहा है तो बैक का ऑप्शन है, बैक पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पूरा बैक हो जाएगा और यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैनल कंटेंट का पेज ओपन हो जाएगा और आपके चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड की जाएगी उसकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। आप जिस भी वीडियो का रीच देखना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एनालिस्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का जो है एनालिस्ट आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। और नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे टोटल व्यूज और वॉच टाइम और यहाँ पे सब्सक्राइबर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टोटल व्यूज 92 है और वॉच टाइम, यानी कि इस वीडियो से हमारे वॉच टाइम में 2 घंटा ऐड हुआ है। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे उसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ शो होगा। तो यहाँ पे आप देखना चाहते हैं इस वीडियो को यूट्यूब कितना लोगों के पास सेंड कर रहा है तो रीच का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश लेगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्रेशन 919, यानी कि यूट्यूब जो है इस वीडियो को 919 लोगों के पास सेंड किया है जिसमें से 7% हमारे वीडियो पे क्लिक आए हैं। टोटल व्यूज 92 है और यहाँ पे यूनिक व्यूवर्स, यानी कि बिना कोई स्किप किए वीडियो को देखने वाले 62 व्यूवर्स हैं। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो इसी तरीके से ग्राफ में आपको एनालिस्ट दिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रैफिक सोर्स टाइप्स दिखाया जाएगा। फिर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च, यानी कि यूट्यूब के जो सर्च के हिसाब से आपका वीडियो 75% रैंक कर रहा है और एक्सटर्नल 15.2% रैंक कर रहा है और अदर यूट्यूब फ्यूचर्स के हिसाब से 6.5% रैंक कर रहा है। सो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो का रीच देख सकते हैं कि उस वीडियो को यूट्यूब कितना लोगों के पास सेंड कर रहा है और कितना लोग उस पे क्लिक किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।